जब तक भगवान की माला गले में पड़ी है कोई हरा नहीं सकता है, ऐसा ये कथा कह रही है। यद ब्रह्म कृत्वाम जातो प्रभु संग पर ये माला बंधुओं, ये कंठी माला जो भगवान शंकर का जो मणि है, ये मणि उसी भक्त की रक्षा करता है जो वो सच्चा भक्त हो भगवान का। नहीं तो ये आला माला पहनने वाले तो अरबों खरबों लोग हैं धरती लोग पे मारा है, रोज मर रहे हैं, समय से पहले एक्सीडेंट हो रहे हैं, बिजली को तार पकड़ रहे हो, करंट लग रहे हैं, अटैक आ रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। तो ये ऐसे नकली आला माला से काम नहीं चलेगा। कैसी माला चाहिए? सम्यंतक, सम्यंतक, सम्यंतक तक, सम्यंतक आखिरी समय तक जो हमारा साथ देती है वो सम्यंतक कहलाती है। और उस मणि को कहाँ से लाएंगे? उस मणि को वही ला सकता है जो हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए भजन करता है, वो मणि भद्र है। भद्रम करणे भी श्रृणुयाम, भद्रम मणि भद्र, भद्र माने कल्याण करने बाला, भद्रम करणे भी श्रृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमा क्षवीर यजत्राहा। आँख कान, ये मंत्र। अच्छा, ये मंत्र कब बोला जाता है? जब तिलक बिलक लगाओ किसी के, किसी पे पुष्प डालो वगैरह वगैरह। तो इस मंत्र का मतलब होता है कि मेरे कान, मेरी आंख, मेरा माथा, मेरी नाक, मेरा मुंह, ये सब इंद्रियां मेरा कल्याण करने वाली हों, ऐसा आशीर्वाद दो। ऐसा ही आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी आंख अच्छी हो, कल्याण करे, तुम्हारे कान कल्याण का सुने, आंखें कल्याण का देखें, मुंह कल्याण का बोले, हाथ कल्याण का करें। इसीलिए भद्रम कल्याणम करोति, सर्वत्र कल्याण ही कल्याण होवे। तो कुछ मंत्र वेद के ऐसे हैं जो बड़े ज्यादा जरूरी है महाराज। वैसे और भी बहुत सारे मंत्र हैं आशीर्वाद के, पर जो ज्यादा जरूरी है वही बोलते हैं आचार्य लोग। अब मेरे से कोई आशीर्वाद हम बोले तो मैं तो 10-20 तो ये फ्री में ही मंत्र बोल देता हूं, क्योंकि मुझे ज्यादा आती तो मुझे ज्यादा देने में संकोच भी कुछ नहीं है। अब समुद्र से कोई कहे तो चम्मच भर पानी चाहिए तो समुद्र चौड़ो कर दे, बोले बेटा भर ले जा जितना चाहो, ले जा ले जा ले जा ले जा ले जा। समुद्र में चम्मच भरो, ट्रक भरो, टैंकर भरो, क्या फर्क पड़ रहा है, वहां पे घटता ही नहीं। और सारी दुनिया की नदियां बाढ़ आ जाएं तो बढ़ता भी नहीं और घटता भी नहीं। अच्छा देखो ना, कुछ लोग कैसे होते हैं, बैठ जाएंगे अगल बगल महात्मा के, फिर के गुरुजी कुछ ज्ञान की बात बताओ, बता गुरुजी कुछ ज्ञान की बात बता। तो बोलो भैया क्या सुनना चाहोगे, बताओ क्या पसंद सुनना है, रामायण में से कुछ सुनना चाहोगे रामायण में? अरे नहीं गुरुजी, रामायण तो सुनी सुनाई पड़ी है। बता, पड़ी है सुनी सुनाई? अच्छा, दो प्रकार होते हैं, एक होता है जूता पड़ा है और एक जूता रखा है। जो रखा है उसमें पैर जा सकता है, जो पड़ा है उसमें पैर जा सकता नहीं। हमारी तो रामायण सुनी सुनाई, बता चावला जी क्या सुनाऊं इसको जिसकी रामायण सुनी। फिर मैंने कहा कि भागवत में से कुछ समझ में आवे। अरे महाराज ये क्या है, भागवत तो बहुत सुनी है, बहुत सुनी, कितनी अनगिनत महाराज सब सुन रखी है, बूढ़े है गे सुन सुन के महाराज। तो कुछ और क्या सुनाए बताओ। तो गीता में से कुछ, हाँ ठीक है गीता चल जाएगी एकाल। वैसे गीता का भी हमें बहुत अनुभव है, पर ठीक है गीता, गीता सुना महाराज। महात्मा जी ने कहा लो भैया सुनो, एक श्लोक में से आधो सो श्लोक याद है वही से सुन लो। उपनिषदो गावो दो गधा गोपाल नंदन, भगवान कहने लगे अर्जुन को, कृष्ण कि अर्जुन उपनिषद गाय के समान है,
और उस उपनिषद को दोहने वाला श्री कृष्ण है। महात्मा ने कहा समझ में आया कुछ? हाँ महाराज सब समझ गया, आपने जो बताया उससे भी ज्यादा समझ में आया। अच्छा बताओ मैं किसी को 10-10 के दो नोट दूं तो वो 40 हो जाएंगे उसके हाथ में जाके, 20 ही रहेंगे, पर सामने वाला क्या कह रहा है? आपने जो समझाया उससे भी ज्यादा समझ में आया। तो महात्मा ने कहा भाई बहुत बढ़िया, ये तो कम कहा और ज्यादा समझ में आया। ऐसा पुराने जमाने में चिट्ठी में लिखते थे, कम लिखा ज्यादा समझना जी। चिट्ठी में क्या लिखते थे पुराने जमाने में? नीचे दी एंड में, कम लिखा ज्यादा समझना जी। तो महात्मा बड़े खुश हुए, भाई अच्छा हो गया, माथा पच्ची खत्म हो गई, ये ज्यादा ही समझ गए थोड़े में। तो महात्मा ने कहा भैया जो ज्यादा समझ गए उसमें से थोड़ा हमें बताओ क्या क्या समझे। तो कहा आपने कहा कि उपनिषदो गाव, उपनिषद नाम की एक गैया है गोपाल नंदना, हाँ ये भी पूरा समझ गया, पर बीच में जो बीच को जो अक्षर हो दो गधा ये समझ में नहीं आया ये क्या है। तो महात्मा ने कहा कि भैया ये है कि एक तो तुम गधा और एक हम गधा, दो गधा गोपाल नंदनम। वैसे अर्थ उसका ऐसा था नहीं, अर्थ उसका ये था दुग्धा, उपनिषद रूपी गाय का दूध धोने का काम भगवान गोपाल नंदन करते हैं, वो गीता सुना रहे हैं। उपनिषद रूपी गाय का दूध जिसने पी लिया वो गोपाल कृष्ण बन जाता है। यदा कृष्णार्भते ज्ञानम, वो समुद्र बन जाता है, ज्ञान का भंडार बन जाता है। उसे महाभारत के युद्ध के मैदान में खड़ा कर दो तब भी वो ज्ञान की बात करता है, उसे कोई मुश्किल घेरती, समुद्र है वो। दो गधा जो गुरु की बात को ज्यादा ही समझ ले वो भी गधा, और ऐसे चेला को जो गुरु समझावे वो भी